दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो आज की ये वीडियो आपके काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ नई रेगुलेशंस जो है वो लागू हो गई हैं, जिसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कुछ सर्विसेज जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। उसके बाद अगर आपको वो सर्विस यूज करनी है, एमरजेंसी में आपको उन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको वो सर्विसेज वापस जो है वो एक्टिवेट करानी होगी। क्या है सर्विसेज, क्या प्रोसीजर है और इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इस तरीके के पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से ये जो सर्विसेज हैं वो क्लोज हो गई है, और यहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो है आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स की। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके की शॉपिंग परचेसिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर जो भी स्पेंडिंग्स आप कर रहे हैं डोमेस्टिक, यानी कि अगर आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपकी जो भी पेमेंट्स हैं वो इजीली हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी भी विदेशी वेबसाइट से यहाँ पर कुछ भी परचेज किया है, आप फॉरेन में किसी वेबसाइट को पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपका जो कार्ड है उसमें ये सर्विसेज अभी ब्लॉक हो गई होंगी। तो दोस्तों, 30 सितंबर तक जो है ये लास्ट सर्विसेज एक्टिवेटेड थी, उसके बाद में वो सर्विसेज जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। यहाँ पर अब आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो आपको पहले बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके अपनी उन सर्विसेज को जो है वो एक्टिवेट कराना होगा, और जो भी अभी नए क्रेडिट कार्ड आएंगे या रिसेंटली जिन लोगों को अभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिले हैं या आने वाले हैं, उनमें ये जो सर्विसेज है वो ऑलरेडी क्लोज होकर आएगी, यानी कि आपको सर्विस को एक्टिवेट कराना होगा। अगर आपको वो सर्विस यहाँ पर चाहिए, आपको ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है, इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो यहाँ पर आपको सर्विस को जो है पेमेंट करने से पहले एक्टिवेट कराना होगा। जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर सभी बैंकों के लिए जारी कर दी गई है, यानी किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं इंडिया में, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये सभी के लिए लागू है। तो किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर ये जो सर्विस है वो आपको एक्टिवेट करानी होगी, आपके क्रेडिट कार्ड पर ये सर्विस अभी ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एक बार अपने कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना होगा अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये जो गाइडलाइन है, हालांकि वो 31 मार्च के बाद में, यानी कि 1 अप्रैल से जो है लागू हो जानी थी, लेकिन कोविड के कारण जो है वो भारत बंद हो गया, इंटरनेशनली मार्केट भी जो है पूरी तरीके से क्लोज हो गई थी, तो इस वजह से इसको थोड़ा टाइम टाल दिया गया, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनको गवर्नमेंट को देखना था। लेकिन अभी 1 अक्टूबर 2020 से ये जो फैसला है वो लागू कर दिया गया है, गाइडलाइन लागू कर दी गई है, सर्विसेज आपकी यहाँ पर क्लोज हो गई हैं। और भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है, इसका सबसे बड़ा मकसद है किसी भी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना। अभी लॉकडाउन के दरमियान ही काफी सारे ऐसे जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि अभी लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा यूज किए हैं, और उनके साथ फ्रॉड भी काफी सारे हुए हैं। अपने यहाँ भी आप देख सकते हैं आसपास में, OLX पर भी आपको ऐसी काफी सारी जो है वो बातें सुनने को मिल जाती है कि वहां पर फ्रॉड हो रहा है, या फिर हमारे पास में कॉल्स आती हैं जिनपे पेमेंट के लिए हमें बोला जाता है, कई बार वो कॉल जो है वो इंटरनेशनली होती है और वहां से पेमेंट से कराई जाती है। तो यहां पर इस तरीके का कि कोई भी फ्रॉड किसी भी कस्टमर के साथ में ना हो पाए, उसको रोकने के लिए जो फैसला है वो लिया गया है। तो यहां पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको पेमेंट करनी है, तभी आप उस सर्विस को एक्टिवेट कराइए। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन और दिया है कि आप जब चाहे इस सर्विस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यहां पर कंप्लीटली आपके हाथ में रहेगा, आपके पास में है कि अपनी सर्विस को आप जो है अगर चाहे तो एक्टिवेट करा सकते हैं, चाहे तो डीएक्टिवेट करा सकते हैं, यानी कि आपको पेमेंट करनी है आप एक्टिवेट कराइए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उस सर्विस को बंद करा दीजिए। तो यहां पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अभी जिन लोगों को पता नहीं है, वो अगर अचानक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट उनके स्टॉप हो जाएगी, प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा, पेमेंट यहां पर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कार्ड खराब हो गया या कार्ड में कुछ इश्यू आ गया है, सिंपली आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके अपनी सर्विस को दोबारा से जो है वो एक्टिवेट कराना होगा, ताकि आप आगे अपना जो पेमेंट्स है वो कर पाए। होपफुली दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।